कांग्रेचुलेशन मम्मी। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी आज 100 के फैमिली हो गई है। ये आपके बिना प्यार और सपोर्ट के नहीं हो सकता था। ये सब आपका प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं हमेशा आपके उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और आप जल्दी से जल्दी मुझे 1 मिलियन तक पहुँचाएंगे। हाँ गाइस, मम्मी तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ मेरी मम्मी के से, क्योंकि एक साल के भी मतलब कम टाइम में मम्मी सीधा 100 के क्रॉस कर गई। तो गाइस अभी पार्टी तो बनती है, तो पार्टी में मेन चीज रहता है केक और सेलिब्रेशन। तो पहले सेलिब्रेशन ही हो जाए तो मैंने आप सभी के लिए आप छोटा सा केक बनाई। चलिए पहले हम केक काट लेते हैं। यो माता जी, हमारी मम्मा के 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और इसके लिए मैंने मेहनत की 3-4 बार इसमें भर के मम्मा के ऊपर दूर 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 गिरा के नीचे का उठा उठा के फिर से मेरे ऊपर गिरा रही है मम्मा का बात। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, अगर नहीं अच्छा लगा लाइक फ्री तो है करो ना, फ्री के माल तो अच्छे ही होते हैं। चलो हम लोग केक काटें। उसके पहले फूफा विश करो कि ये 100 जो है ना वो 1M हो जाए अगले साल। अरे मम्मी हो रही है 100 साल की। आज तो मेरी 100 के की फैमिली हो गई है। तो इसी बात पे फूफा और विश करो कि ये 1001M हो जाए अगली बार। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अगले साल तक मुझे इसमें कितना जीरो आप सभी के लिए पहले आपको मैं काश में खिला पाती आपको, बट कैमरे से ही खिला दे रही हूँ, आप खा लो। चलो अभी मैं अनु को खिलाती हूँ। पहले आयु खिला जाता है, मैं बड़ी खिला दूँ। मम्मा तो दोस्तों आपने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया, हमें पहुंचा दिया 100 के की फैमिली तक, तो हम सोचे रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना भाई। किसी ने कमेंट करके हमें बताया था कि मम्मा को बोलने दिया करो, तो नहीं बोलते कंटिन्यू। मुझे अनु बोलने नहीं देती, बहुत बोलती है यार। ये तो खुले आम बेइज्जती कर दी हमारी। हाँ तो बोलने में इसका रिकॉर्ड है, सब चुप बैठो, सिर्फ अनु बोले है ना। मुझे भी लगता कि मैं तो कठपुतली जैसे बैठा दी गई हूँ और इधर अनुष्का अपना बोल रही, मम्मी अपना बोल रही, मैं इधर अपना। इसको बटन दबा दो बस, चलती रहेगी। तो चलो अब हम पूछेंगे क्वेश्चन। अच्छा मम्मी को तो बोलना था, सॉरी। सब इससे क्वेश्चन आंसर कर लो, मैं फिर जाती हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। चाबी दिए मुसली के चाबी दे दिए मुझे, लेके बैठूं तो अब बोल सकती हूँ मैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। आपके जो भी सवाल हैं मैं आज सब आंसर करने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो चलिए आपके क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ और आंसर करती हूँ। अच्छा चाबी ले लो। हाँ, तो मैं पढ़ूंगी और मम्मा क्वेश्चन आंसर देंगी। आयुष का कठपुतली, आयुष का कठपुतली है, सॉरी। कितना सा सुकून मिला जब उसका का मुंह बनता। वही चाबी फालतू में दे दिया मैंने। अब वो चाबी आपको नहीं मिलेगी। तो फाइनली मुझे मेरी चाबी मिल चुकी है, तो अब मुझे तो काम चाहिए। मैं हूँ इतनी बुलबक और बुलबक जो मैं खुद की कैसे दिखा रही। तो अभी हम पढ़ेंगे आपकी क्वेश्चन, मतलब मैं बनूंगी आप और बताऊंगी कि आप लोग ने क्या सवाल पूछे मम्मा से। तो हम लोग केबीसी की तरह करेंगे, केबीसी नहीं एबीसी है। आशा बनेगी करोड़पति, करोड़पति का तो नहीं पता, आशा बनेगी कुछ ना कुछ तो बनेगी। तो धुन 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 म्यूजिक चाहिए ना। तो आपकी स्क्रीन पे सवाल दिखाया नहीं जा रहा है। तो मम्मा आपका पहला सवाल नविशा शेट्टी जी ने पूछा, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। तो आपका इनने सवाल पूछा है कि मतलब जब चैनल चालू हुआ था
तब कौन वीडियो शूट करता था और आपका पूरा नाम क्या है और आपका बर्थडे कब है? तो नवीसा जी, मेरा वीडियो कभी कभी अनु शूट कर लेती है, जैसे रेसिपी है मोस्टली, हाँ फिक्स कैमरा जहाँ लगता है तो अनु शूट कर लेती है और मैं भी कर लेती हूँ। मतलब मैं बहुत टैलेंटेड बच्ची हूँ, मैं जानती हूँ। अरे यार इतनी ताली क्यों बज रही है? तो आपका अगला सवाल था कि मतलब आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे है 12 जनवरी। मेरा नाम तो आप जान ही सकते हो, चैनल भी मेरे नाम से ही है, तो मेरा नाम है आशा उपाध्याय। तो आपका दूसरा सवाल है गेमर वर्ल्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल गेम्स, बहुत ही अच्छा नाम है लेकिन मतलब, तो गेमर वर्ल्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल गेम्स ने बोला है, पूछा है कि तो अनु आयु ट्विंस कैसे हैं, उन दोनों के चेहरे इतने डिफरेंट, अनु इतनी सुंदर और क्यूट है, तो फिर अच्छा ठीक है वो मैंने ऐड किया, हमने बोला डिफरेंट चेहरा है, तो ऐसा वो ट्विंस है कि नहीं है, आज क्लियर कर दिया जाए। क्या नाम था? गेमर वर्ल्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल गेम्स, सिर्फ गेमर जी। गेमर जी, मैं आपको इस क्वेश्चन का तो मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि भगवान ने इनको ऐसे ही पैदा किया है। अनआइडेंटिफाइड ट्विंस, दोनों सच में अलग दिखती हैं, सेम नहीं दिखती, बट दोनों ट्विंस हैं। अगला सजेशन है, जसविंदर कौर जी ने बोला अनु आयु कुकिंग शो भी खोलना चाहिए। तो आपका कुछ कमेंट है इस पे कि मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके बच्चे इतने टैलेंटेड क्यों हैं? तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो पढ़ाई का इतना बोझ है, वो भी दो दो चैनल है, तो आगे सोचेंगे। तो राहुल अग्रवाल जी ने आपके लिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, 8-8 क्वेश्चंस है। तो मैं हूँ रिपोर्टर अनु फ्रॉम अनु आयु नहीं कुकवित आशा तक, अभी कुकवित आशा। तो आपका पहला सवाल ये है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे सारे फूड अच्छे लगते हैं, बट पनीर की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। पनीर तो सबको पसंद है, अमेरिका का तो फेवरेट है। अभी खाने में पनीर चिल्ली बनाया, उसकी रेसिपी चाहिए क्या? इन विच प्लेस डू यू लिव? तो जी हम आपके दिलों में रहते हैं। राहुल जी मैं मुंबई में रहती हूँ। तो आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा वैसे कपड़ों में तो मुझे ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है। देखो मेरे मम्मी ट्विन है, हम दोनों को ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगता। धोखा, अरे धोखा देती है, अपनी ट्विन को एक्सचेंज कर रही है मम्मा से। तो मम्मा का फेवरेट कलर ब्लैक है। फिर आपने अपना चैनल कब शुरू किया? यूट्यूब चैनल मैंने तो अपना अभी 1 साल नहीं हुआ, 10 महीने ही हुआ शुरू करके, कुछ 27 अक्टूबर से मैंने शुरू किया था। बट ये मेरा चैनल आप देखोगे कि 17 दिखा रहा है, 2017, ये मेरा पहले से ही चैनल था, बट मैंने इसको जब से मैं वीडियो डालना शुरू की तो 2019। अलग से कोई शेफ हमारे लिए करता था, फिर मम्मा ने सोचा कि चलो मैं ही करने लगती। तो माता जी आपने मतलब आपका फेवरेट जगह कहाँ है मुंबई में? पूरी मुंबई अच्छी लगती है। दो, 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 दो। आपका सवाल स्क्रीन पे बिल्कुल पेश नहीं किया जा रहा है। आपका ये सवाल कोमल स्वामी जी से है, धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो कोमल स्वामी जी ने पूछा है, जब आप कुकिंग करते तो आपको कैसा लगता है और अनु आयु में से ज्यादा कौन अच्छा है? ये क्यों कर रही है कोमल जी? कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है और मैं जब कुकिंग करती हूँ तो मुझे यही फीलिंग आती है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा रेसिपी दिखाऊं, और इन दोनों में से कुकिंग में तो अभी तो कोई कुछ भी नहीं बना। थैंक यू। अभी कुकिंग कोई नहीं कर पाता, बट थोड़ी थोड़ी चीजें आयु कर लेती हूँ। मैं कॉफी बना लेती हूँ, और आलू को तो अभी मैंने सिखाया, कुछ भी नहीं पता है। नहीं मुझे पता है, मुझे कॉफी बनाना आता है। तो हमारा अगला कमेंट है स्वीटी आर्या जी से, उनने पूछा कि मतलब क्या थॉट था, क्या आइडिया था जो मतलब आपको स्ट्रिक किया कि मतलब आपको एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, और थैंक यू फॉर 100 के सब्सक्राइबर। थैंक यू स्वीटी जी। स्वीटी जी मैं पहले से ही यूट्यूब पे थी, जो अनुवर ट्विन सिस्टर में मैं पहले से ही थी, तो कुकिंग का मुझे बहुत शौक था, तो मैंने सोचा आप सबके लिए मैं रेसिपी बनाऊं। तो अगला क्वेश्चन है स्वीटी सखूजा जी से, उनने पूछा है कि तो आपका पहला वीडियो कौन सा था? स्वीटी जी मेरा पहला वीडियो है गुजिया का, दिवाली पे मैंने गुजिया बनाया था, वो मेरा फर्स्ट यूट्यूब पे वीडियो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नत जी से, उनने पूछा है कि मतलब आप फ्री टाइम में करते क्या है जी? मन्नत जी मैं फ्री टाइम में आपके लिए रेसिपी सोचती हूँ, या फिर अनु आयु ट्विन सिस्टर के लिए कुछ स्क्रिप्ट सोचती हूँ। हाँ गाइस, हमारे दोनों चैनल्स जो है ना, उनका ब्रेन मम्मी है, मतलब पूरा सब काम करती है। नहीं ये सिमिली, शी इज द सीपीयू ऑफ हर कंप्यूटर। तो ये मेरा क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ, अगर जिसका मैं नहीं पढ़ पाई तो सॉरी, क्योंकि
बहुत सारे कमेंट थे, तो आगे मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बस वही रेड बटन दबा दो, ग्रे कर दो, जिससे कि हम जल्दी से 1 मिलियन तक पहुंच गए। मम्मी को भी सपोर्ट कर दो 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए, और अनु और ट्विन सिस्टर को भी आप सब्सक्राइब जरूर, और हॉरर चैनल को भी कर देना और हमारी बाकी चैनल को भी कर देना। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।